डेवलपमेंट सेक्टर में आप वाकई में चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा काम करें, बहुत अपने हिसाब से काम करें, सेलेक्टिव प्रोजेक्ट करें और टारगेट जो इंटरवेंशन है आपके हिसाब से हो, जो रीच है आपके हिसाब से हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपनी खुद की संस्था चलाएं। और अगर आप खुद की संस्था चलाते हैं तो इसका मतलब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप से आप प्रपोजल डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके कंट्रोल में होती हैं। लेकिन अगर वहीं अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तब चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल सकती, क्योंकि तब आपको प्रोजेक्ट के मैंडेट के हिसाब से काम करना होता है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत उचित होगा कि आप अपने खुद की संस्था चलाएं, खुद की संस्था खोलें और उसके विज़न और मिशन को डिज़ाइन करें और उस हिसाब से फिर काम करें, अपने जो बेनिफिशरी है उसको आइडेंटिफाई करें, अपने एरिया को आइडेंटिफाई करें, अपने प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और अलाइजनिंग पे ध्यान दें, एडवोकेसी पे ध्यान दें, नेटवर्किंग पे ध्यान दें और फंड कैसे रेस करेंगे उस पे ध्यान दें, प्रोजेक्ट स्टाफ पे ध्यान दें। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे अगर आप अपनी संस्था चला रहे हैं, और अपनी संस्था चला के आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, आपका बहुत बड़ा नाम होगा। और आप संस्था ठीक प्रकार से चलाएंगे तो कई अवार्ड्स रिकॉग्निशन भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि एनजीओ सेक्टर्स में और रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन का बड़ा महत्व है। तो आप एनजीओ सेक्टर में बहुत सारे रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन को जीत सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं और कुल मिला के बहुत सारे लोगों को आप रोज़गार भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप एनजीओ चला रहे हैं या चलाने की सोच रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी देंगे। और जब आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार देंगे तो आपकी जो एनजीओ आस्ते आस्ते बड़ी होगी, एक्सपेंड होगी और आप विभिन्न राज्यों में काम कर सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में काम कर सकते हैं, शहरी इलाकों में काम कर सकते हैं। मुद्दे आपके शहरी ग्रामीण हो सकते हैं, आजीविका मुद्दा हो सकता है, कृषि में आपका मुद्दा हो सकता है, पशुपालन आपका मुद्दा हो सकता है, वाटरशेड आपका हो सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग में आप काम कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हैं, हेल्थ में काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में काम कर सकते हैं, सैनिटेशन में काम कर सकते हैं, एजुकेशन में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं आप उन पर काम कर सकते हो, जो अलार्मिंग इशू है, जो आपको लगता है बर्निंग इशूज़ पे काम होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम कर सकते हैं, चाइल्ड राइट्स पे आप काम सकते हो, कई प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एनजीओ का किस प्रकार से रन करना चाहते हैं और किस प्रकार से आगे वो आप चाहते हैं कि वो सफल हो।